वेलकम माई वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉर्न्स। मेरा गला थोड़ा ख़राब है और मुझे सर्दी है, तो बीच बीच में हो सकता है आपको बहुत सारे कट्स मिले, बिकॉज़ जहाँ पे मैं छींकूँगी और खांसूँगी मैं उसको एडिट कर दूँगी। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम डिवाइन की साइड से आपके लिए एक ओरैकल निकालेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको इस महीने किस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम टैरो डेक में से ये देखेंगे कि कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं इस महीने, बट आपको उनका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, और इस हफ्ते का चैलेंज भी देखेंगे। फिर हम करेंगे यू वर्सेस देम, मतलब आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं, और दोनों के बीच में क्या एनर्जीज़ का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, एज़ यू नो दीज एनर्जीज़, या एज़ यू नो दीज रीडिंग्स आर इंटरचेंजेबल एंड जनरल, तो ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें, हो सकता है रीडिंग के कुछ पार्ट से रेजोनेट करें पर पूरी रीडिंग आपके लिए ना हो। ऑल्सो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की बात हो, या फिर आपके पर्सन के बारे में बात करूँ तो आपके बारे में बात हो। ओके, प्लस देर इज़ नो रोल ऑफ जेंडर, तो अगर किंग आता है, क्वीन आता है, तो उसका मेल और फीमेल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। एज वी ऑल एम्बॉडी फैमिलिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो तो। यू नो सब्सक्राइब करना फ्री होता है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। सो लेट्स गो। आई रियली वॉन्ट यू कि आप 5 सेकंड की प्रेयर करें और यूनिवर्स को बोलें कि आपको सही गाइडेंस या सही मैसेज दे, वो सारी चीज़ें बताएं जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस। ओके, स्टेइंग फोकस्ड, तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कार्ड आया है। स्टेइंग फोकस्ड मतलब आप जिस चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को हर डायरेक्शन में मत जाने दें, अननेसेसरी जगह पे मत जाने दें जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को रहना ज़रूरी नहीं है। एज इन आप लाइफ के जिस पार्ट को ग्रो करना चाहते हैं बस उसी पार्ट में अपनी एनर्जी डालें, फालतू के लोगों में, फालतू की सिचुएशन में, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में, अपने एक्स में, अगर आपको अपना एक्स नहीं चाहिए तो अपने एक्स में, या फिर ऐसे लोगों में जो आपका कुछ भला नहीं करते, जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं होते, वहाँ पे फोकस नहीं रखें। फोकस किस पे रखें? जो चीज़ आप ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, इस महीने का चैलेंज देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए क्या है। इस महीने का चैलेंज है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिमिलर लग रहे हैं। इस महीने डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। अगर आप फोकस लूज कर देंगे तो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या फिर जो भी अबंडेंस आ रहा है, या फिर जो भी एक प्रोसेस चल रही है डिवाइन की तरफ से कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएं, वो रुक सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना है, यही आपका चैलेंज है। मतलब आपको पूरा पूरा अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है और किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जैसे हमने इस कार्ड से डिस्कस किया, तो ऑल्सो ये किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकता है, आप खुद भी कैप्रिकॉर्न हैं तो ये आपको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसके चार्ट में हो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वो पर्सन आपके लिए दिक्कत बन सकता है इस महीने, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। एंड वी ऑल्सो हैव फोर ऑफ वांड्स, तो मुझे लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस महीने हो सकते हैं, आपकी मैरिज में या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट कि आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, फोकस्ड रहें अपने रिलेशनशिप को लेके या फिर करियर को लेके। ऑल्सो हमारा चैलेंज है टू ऑफ शॉर्ट्स, हो सकता है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़े
दो डिसीजन में, दो रास्तों में से एक रास्ता आपको चूज़ करना पड़े और ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है चूज़ करना, तो ज़रूरी है कि आप चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करके चूज़ करें। ये जो आँखों पे पट्टी बंधी है इसको खोलें, जो चीज़ जैसी है उसको उस तरीके से देखें, सच को फेस करें, सच का सामना करें, अपने दिल को फॉलो करें और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें। क्योंकि इस महीने एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, बट अगर आप ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे तो आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि इस महीने कोई भी डिसीज़न लें तो सोच समझ के, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के और सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद लें, ठीक है? और ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इस महीने आपकी तरफ आ रही है और आपको पता नहीं है? यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आप रिलेशनशिप से खुश ना दिखें, जो कि मुझे चैलेंज में भी दिख रहा है। और अगर इस महीने कोई भी मुश्किल की घड़ी आती है जब आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें लूज़ कर रहे हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये देखना आपको इस महीने ज़रूरी है कि अगर 3 कप्स गिरे हैं तो 2 कप्स अभी भी खड़े हैं। मतलब अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं जो आ रही हैं किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में। अगर आप थोड़ा सा भी अपने साइड से एफर्ट्स लगाएंगे तो ये जो ब्लेसिंग है ये मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है? कई सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, ओके? तो हो सकता है आपको पता ना हो, बट अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो हो सकता है प्रोबेबली आपका पर्सन वापस आ जाए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपको इस एनर्जी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर कोई है जो आपके लिए प्यार का ऑफर लेके आने वाला है। तो हो सकता है ये वही पास्ट पर्सन हो जो ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनके साथ आप हैं, या फिर ये कोई नया पर्सन भी आ सकता है, हो सकता है। इस पर्सन के बारे में अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज़ हम वो एनर्जीज देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रही है और आपको पता नहीं है। वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। मतलब जो हार्ट ब्रेक और जो पेन था वो इस महीने आपका ख़त्म होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। मतलब जो चीज़ पेन पेनफुल थी अब वही चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगी। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके टूवर्ड्स क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ पे पर्सन ए रहेगा, यहाँ पे पर्सन बी रहेगा, कोई भी पर्सन कोई भी हो सकता है, आप कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हैं या फिर आपका पर्सन कहीं पे भी स्टैंड कर सकता है, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक हमारे पास पास पर्सन है जिसको हम लेट्स से विल कॉल दिस पर्सन मैजिशियन एंड विल कॉल दिस पर्सन थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई पर्सन द मैजिशियन की एनर्जी में दिख रहा है। ये जो मैजिशियन है वो ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स का जो पर्सन है इसको मैनिफेस्ट करना चाहता है। मतलब कि ये कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसको हर्ट हुआ है किसी चीज़ का, बट जो दूसरा पर्सन है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, बट इस पर्सन को ऑब्वियसली इस पर्सन की कुछ एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट यहाँ पे जो पर्सन है इसको लग रहा है यार सब ठीक तो है, मतलब व्हाट्स द बिग डील, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया तो इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने कुछ भी खास किया नहीं है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो ऐसा फील कर रहे हो कि व्हाट्स द बिग डील,
पर मुझे लग रहा है कि दोनों में से आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि हमने थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में देखा था, तो आई कैन सी कि ये जो हर्टफुल एनर्जी है ये बहुत ही जल्दी चेंज होगी कैप्रिकॉन्स, बट अभी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, मतलब ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखता है। ये पर्सन ऐसा देखता है कि आप बहुत ही नर्चरिंग हैं और आप बहुत ही केयरिंग हैं, आप इनका ध्यान देते हैं, या फिर अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार वो जो मेरा पर्सन था वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, बहुत ज़्यादा केयर करता था, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, या फिर बस ये एक फीलिंग है जो एक पर्सन फील कर रहा है कि यार इससे बेहतर तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में, इससे अच्छा इंसान मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। आप इनकी एनर्जी फील्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको क्वीन समझता है अपनी लाइफ की, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनके लिए गुड लक हैं, एक लकी चार्म है। जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, तो ये पर्सन समझते हैं कि ये जो पर्सन है इनके साथ जो इनका कनेक्शन है ये बहुत ही डिवाइन ली गाइडेड कनेक्शन है, और ये मतलब ये समझते हैं इस कनेक्शन को कि बहुत ही स्पिरिचुअल है और भगवान ने इस पर्सन को मेरे लिए बना के भेजा है, और दिस रिलेशनशिप इज़ रिटर्न इन द स्टार्स। यहाँ पे मैजिशियन है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये एनर्जी हैं तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है और आपकी आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहता है। कैप्रिकॉन्स, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए ये सच होगा कि ये जो पर्सन है इसे आपकी वैल्यू बहुत ही लेट समझ में आई है। मतलब पहले इस पर्सन ने आपके इमोशंस को बहुत ही ऐसे ही लिया था, बहुत ही हल्के में लिया था आपके इमोशंस को, बट धीरे धीरे इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि यार दिस पर्सन इज़ द वन, यही मेरे लिए बना है, और ये मुझे जैसे रखता है वैसे मुझे कोई भी रख नहीं सकता। अब इसको ये लग रहा है कि मैं कैसे इस पर्सन के पास वापस जाऊं, या फिर मैं कैसे इसको अपनी एनर्जी फील्ड में वापस लेके आऊं। यहाँ पे आपकी तरफ अगर ये आप हैं तो आपकी तरफ दिख रहा है कि आप बहुत ही पेन से गुजरे हैं, बहुत हर्ट से गुजरे हैं, इस पर्सन ने आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है और उसकी तकलीफ़ आज भी आपको है। क्योंकि मैंने कमिंग एनर्जीज में थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स देखा था, तो आई कैन से कि आप कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, और आप रात में सोते हैं तो यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, और आपको लगता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, बहुत गलत था मेरे साथ। पप्स की एनर्जी है, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही तंग आ चुके थे इस पर्सन से, और आपको लगा कि यार अब ये जा रहा है तो ये जाए, अगर ये ब्रेकअप कर रहा है तो करे, या फिर अगर ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है तो करे, अब तो मुझे इससे बात ही नहीं करनी है। तो हो सकता है ये आपके पर्सन हो, ये आप हो, ये पूरी रीडिंग में आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बस निकल रहे हो यहाँ से कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी और तरफ जाऊँगा या जाऊँगी, या फिर मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा, या फिर मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है कि आप किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में जो दिख रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपके बचपन से रिलेटेड हो, चाइल्डहुड कोई आपकी फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हो रही हो, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके आसपास ही है पर आपने कभी इसको उस नज़र से देखा नहीं है। ये कोई नया पर्सन है जो आपके लिए फील कर रहा है। आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है स्टोरी में ट्विस्ट है कि पहले आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आप कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, बट ये पर्सन अब आपको वापस आपकी लाइफ में चाहता है। वी हैव टू ऑफ वांड्स, यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन को एक डिसीजन लेना था। मुझे लग रहा है दो लोगों में से एक को चूज़ करना था, या फिर दो रास्तों में से एक रास्ते को चूज़ करना था, और इन्होंने अपना मन बना लिया है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अब ये फाइनली देख रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ माय वर्ल्ड और मुझे यही रास्ता चूज़ करना है। बट मुझे लग रहा है कि इन्हें अभी तक पता नहीं है कि ये आपकी तरफ कैसे बढ़े, या तो इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर
किसी ना किसी रीज़न से ये कहीं पे फंसे हुए हैं कि आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, बट ये उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये फाइनली आपकी तरफ आएंगे। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से कमिटेड हैं तो ये चाहते हैं कि ये इस रिलेशनशिप को ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, तो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर कुछ वेट कर रहा है, मतलब आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहता है बट ये किसी चीज़ के होने का वेट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड आप मुझे फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन, आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेस्डअप हो चुकी है, अब पता नहीं सब कुछ पहले जैसा होगा या नहीं होगा। तो आपके सबकॉन्शियस में मुझे ये डर दिख रहा है कि आपको डर लग रहा है कि यार अब इतना कुछ खराब हो गया है, अब चीज़ें वापस से सही होंगी या नहीं होंगी, या पहले जैसी होंगी या नहीं होंगी, उस चीज़ का आपको डर दिख रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन्स की, अगर आप इस फियर बेस्ड एनर्जी में रहेंगे तो ये जो पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप फियरफुल एनर्जी में रहेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि अब पहले जैसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता या फिर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो अगर आप चाहें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं कैप्रिकॉन्स। शी ऑल्सो हैव एस ऑफ वांड्स, मतलब इस पर्सन की एनर्जी मैं आपको अभी समझाती हूँ थोड़ी देर में, बट आप ये देखिए यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है। ये पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग सीक कर रहा है, ये पर्सन चाहता है कि आप उसके साथ वापस से पहले जैसे हो जाएं, या फिर वापस से आप लोगों की जो रिलेशनशिप या कनेक्शन है उसमें स्पार्क वापस आ जाए। एसिस मतलब नई शुरुआत होती है, वांट्स हमें रोमांस, सेक्सुअलिटी और पैशन के बारे में बताता है, तो ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपसे इंटिमेट होना, या फिर आपके साथ क्लोज होना, या फिर आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना, ये सब कुछ ये पर्सन सीक कर रहा है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड कैप्रिकॉन्स एट ऑफ वांड्स हैं, आप चाहते हैं कि पहले ये आपसे बात करें, चीज़ें डिस्कस करें, पहले इन्होंने जो किया वो क्यों किया, आगे इनके इरादे क्या हैं, ये सब आप सीख कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे आके बात करे और चीज़ें क्लियर करे कैप्रिकॉन्स। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन किसी चीज़ का यहाँ पे होने का वेट कर रहा है, एक बार ये फाइनल इस वाली एनर्जी में आ जाए कि ये स्टेप ले सके तो ये आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ये नाइट ऑफ कप्स दूसरी बार आया है कैप्रिकॉन्स, दिस रीडिंग इज़ रियली गुड। ये नाइट ऑफ कप्स आए जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप सीख कर रहे कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सिर्फ ही आपसे बात करने नहीं आ रहे, ये आपको अपना लव का ऑफर देना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले, सॉरी अबाउट माई नेल पेंट बाय द वे, ओके। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स पहले भी आया था और मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन है आपके लिए ऑफर लेके आने वाला है। पहले मुझे लगा था ये कोई नया पर्सन है, नया पर्सन भी हो सकता है क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स था, बट ये पर्सन भी आपके पास ऑफर लेके आना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स दो बार आ चुका है, तो आप इफ़ यू कैन सी दिस एनर्जी, ये पर्सन डेस्परेटली चाहता है आपके पास आना, मतलब ये बस वेट कर रहा है कि यहाँ पे ये एनर्जी चेंज हो और इस एनर्जी से ये आपके पास आगे बढ़े और ये जो सिलसिला एस ऑफ वांड्स का है ये शुरू हो सके। यहाँ पे द टावर दिख रहा है और आपको अभी भी ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सडनली कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है क्या लग रहा है कैप्रिकॉन्स, आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और फिर चला जाएगा, मतलब आप इतनी ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है ना कि ये सब आप, मेरे को लग रहा है आप मेरी रीडिंग को भी बिलीव नहीं कर रहे हो आपको लग रहा है ये बस रीडिंग है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज में दिख रहे हो। यहाँ पे द टावर है, मतलब आपको लग रहा है चीज़ें शुरू होंगी फिर ख़त्म हो जाएंगी अगर मैंने इसके साथ कुछ शुरू भी किया तो। यहाँ पे फाइव ऑफ शॉर्ट्स से आपको ऐसा लग रहा है कि बात बनेगी फिर बिगड़ जाएगी, तो देख रहे हो आप दोनों कार्ड्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा सिमिलर है। कैप्रिकॉन्स यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स दिख रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस पर्सन को डर है कि पता नहीं आप इस पर्सन को चूज करोगे या नहीं करोगे। बहुत फनी रीडिंग है ये, पता है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएगा और ये फिर वापस चला जाएगा, इसकी विशी वॉशी फीलिंग्स हैं, पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं मेरे साथ कैसे रहेगा, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन की करेगा या करेगी, यू नो, तो इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और
और यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, तो आप कर रहे हो कि पर्सन आपसे अच्छे से कनेक्ट हो जाए तो वो ज़रूर होगा, या फिर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है, तो आप कंफ्यूज हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मुझे किस पर्सन की तरफ जाना है। वाओ, आई टेक फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कहाँ है मेरी डेक? लेट्स सी डिवाइन, या आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देते हैं, यहाँ पे किसकी साइड से मैसेज आता है। यहाँ पे कैप्रिकॉन सस्टेन फोकस्ड है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा हो, बट यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा पर्सन अपनी एनर्जी फील्ड में चाहते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यू हैव टू स्टे फोकस्ड, ओके? जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर फोकस रखना ज़रूरी है। अगर आप दो एनर्जीज पे फोकस लगाएंगे तो दोनों चीज़ें मिक्सडअप हो सकती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। वाओ, जो दो कार्ड्स इसमें से मिले हैं, सो टेक दिस टू कार्ड जो इस डेक के अंदर फंसे हुए थे, माय बैड। बट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, ये कार्ड्स इस डेक में थे, देर मस्ट बी सम रीज़न। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स कार्ड होता है फुलफिलमेंट का और एक हैप्पी रिलेशनशिप का, फैमिली का कार्ड होता है, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप इस पर्सन के साथ खुश रहने वाले हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ बिल्ड करने वाले हैं इस पर्सन के साथ, मतलब एक नई लाइफ क्रिएट करने वाले हैं या फिर कुछ काम इस पर्सन के साथ आप शुरू करने वाले हैं। ओके वी हैव स्टार्ट वेर यू आर, तो आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दें, किसी चीज़ के होने का मौका ना ढूंढें। मेरे ख्याल से ये मैसेज डिवाइन की साइड से ये है कि अगर आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं इससे बात करूँ या नहीं करूँ, तो आप खुद जाके बात करिए या फिर इनिशिएट करिए, इट्स ओके। मतलब ईगो को बीच में मत लाइए, ओके? वी ऑल्सो हैव लव डजेंट हैव टू मीन नियर, तो ये मैसेज है आपके पर्सन की साइड से कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर तुम्हें हमेशा बताऊँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तभी करता हूँ। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। वी ऑल्सो हैव अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वेयर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे, जो पास्ट में पेनफुल चीज़ें हुई हैं वो बस रिहर्सल्स थी अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए, अच्छी चीज़ें होने के लिए, ओके? वी ऑल्सो हैव यू विल फाइंड वॉट यू सीक, तो आप जो ढूंढ रहे हैं आपको ज़रूर मिलेगा, ये डिवाइन मैसेज है, ओके कैप्रिकॉन्स? तो सच ए नाइस रीडिंग, ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।